हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के 80 एमसीक्यूज़ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये हुई थी, एक मिनट में। तो दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न संख्या दो है दोस्तों कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितनी अवधि में संपन्न हुई। तो जो संविधान बना था वो उसमें जो टाइम लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न संख्या तीन है दोस्तों कि निम्न में से किन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, स्थायी परमानेंट अध्यक्ष। तो किन चुने गए? तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था परमानेंट अध्यक्ष जो चुना गई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या चौथा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या पांचवा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया, तो इन्होंने किया था 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्ताव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो ये सभी जानते हैं, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां शेड्यूल हैं। कितनी हैं? 12 हैं। प्रारंभ में 8 थी, फिर 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो मिलता है 8वीं अनुसूची में मिलता है। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न से किससे संबंधित है। तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? ये है पंचायती राज से संबंधित है। दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है। तो ये है 10वीं अनुसूची में। और जो दल बदल संबंधी प्रावधान है वो संविधान का संविधान संशोधन कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली ली गई है वो ली है ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा जो कंकरेंट लिस्ट है उसकी उस प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तीन सूचियाँ होती है, केंद्र सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध यानी इमरजेंसी जो इमरजेंसीज होती हैं उनका प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये ली गई जर्मनी से ली गई है। कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार का सिद्धांत लिया गया है अमेरिका से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। और बात करेगा नीति निदेशक तत्व की तो भाग किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं भाग 5 के अंतर्गत। और आर्टिकल बात करें अगर अनुच्छेद की तो वो आते हैं 36 से 51। कौन? नीति निदेशक तत्व किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ये लिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया है? तो ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो संविधान संशोधन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। बात करें अगर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस भाग में, तो ये भाग है
20। और बात करें अगर अनुच्छेद आर्टिकल की तो 368 के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिए गए, ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न संख्या 23 है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। बैल विशेष संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया। तो तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, भाग दो में उल्लेख है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। तो जैसे कि हमें पता है कि नागरिकता से संबंधित भाग दो है, तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 से 11 इसका अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल नागरिकता इसमें प्रावधान है। प्रश्न संख्या 28 है कि भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है, तो ये है भाग तीन में इसका वर्णन है। किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया है, तो 12 से 35 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें, आर्टिकल 12 to 35, और अगर भाग की बात करें तो भाग तीन में। अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 से 18 ये है समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समता का अधिकार। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है, पहले 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो स्वतंत्रता के अधिकार का संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद है 19 से 22। सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। तो रिट 5 प्रकार की रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया है। तो यह हटा दिया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद है 23 से 24, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये किया गया है भाग, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन, तो भाग 5 में किया गया है। किसमें किया गया है, भाग 5 में किया गया है। तो ये किया गया भाग 5 में किया गया है। अगर बात करें निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशों, यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया, तो अनुच्छेद है 36 से 51, और राज्य जो नीति निर्देशक तत्व हमें पहले बता चुके हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
मौलिक कर्तव्यों को किस समिति कमेटी की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था, तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 51A में। और मौलिक कर्तव्यों को हमने किस देश से अपनाया है, तो ये रूस देश से अपनाया है, सोवियत संघ रूस से अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पहले भारतीय संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं थे और उसमें उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और इस वर्तमान में 11 हैं और जो हमारा 11वां है वो 1986 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है, तो ये 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा होती है वो 35 वर्ष होती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करते हैं, कौन करती है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ऑर्डिनेंस होता है वो आर्टिकल 123 यानी अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकता है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 48वां यहाँ पर कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 352 में किस आपात का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 350 आर्टिकल जो 350 उसमें राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी इसका उल्लेख है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है, तो जो राष्ट्रीय आपात लगता है वो किस बेस पे लगता है, तो वो लगता है युद्ध बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वित्तीय आपात का उल्लेख है अनुच्छेद 360, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है, तो अभी 3 बार लागू किया गया है। कब कब किया गया, तो 1962 में भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था चीन आक्रमण के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, और 1975 में जो कि आंतरिक अशांति के कारण हुआ था, तो 3 बार अभी आपातकाल लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति है, तो एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में जो सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो स्पष्ट है जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक तक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से एक प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, गैर कांग्रेसी यानी प्रथम जब कांग्रेस सरकार टल गई होगी, आई मीन कार्यकाल जो भी हुआ होगा, तो उसके बाद प्रथम बीजेपी वो थे मोरारजी देसाई, गैर कांग्रेसी। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 के निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है, तो भारतीय संसद का अंग सबको पता होगा, उसमें राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, राष्ट्रपति होता है, ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने समय के लिए होता है,
तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है कितने समय के लिए? 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राज्यसभा के कितने सदस्य? तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 60 है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 250। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, और ये किसी भी क्षेत्र से हो सकती हैं, साहित्य, वैज्ञानिक, कला, खेल, इन सब से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष? लोकसभा का तो होता ही है, विधान परिषद का अध्यक्ष उस सदन का होता है, विधानसभा का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है। जैसे कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति, है ना। तो उपराष्ट्रपति उस सदन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न संख्या 63 है कि लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ऑब्वियसली यह है 25 वर्ष। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ पर कर सकता था वो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन अब ये 2 जो सदस्य होते हैं उनको अब नहीं करते हैं, यानी हटा दिया गया है इसे। जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको अब ये प्रचलन हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? तो ये हो सकता है 6 माह का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु का होना, तो राज्यसभा के लिए कितना है? 30 वर्ष रखा गया है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय होता है? तो जब तक राष्ट्रपति अपने उस पर पद पर रहते हैं या उनके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का आयुक्त, राज्य वित्त आयोग, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, तो विधानसभा के लिए जैसे लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है, वैसे ही विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष होती है। प्रश्न संख्या 71 है कि राज्यों में किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 500 और मिनिमम हो सकती है, यानी न्यूनतम हो सकती है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में है? कई राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में ये 6 राज्यों में है, तो वो 6 राज्य कौन कौन से? लेकिन यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है, विधान परिषद अस्तित्व में, तो ये महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र के अतिरिक्त देख लेते हैं और कौन कौन से हैं, तो उसमें बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र यहाँ पे दिया ही गया है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और कर्नाटक हो गया। इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद अस्तित्व में है।
उससे पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी में आ गया, तो अब 6 राज्यों में ही है। निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश किस आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं? तो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं 62 वर्ष की उम्र में। और न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को, ए और बी दोनों यानी दोनों को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और दोस्तों हमारा आज का अंतिम यानी लास्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? ये की थी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों ये थे पॉलिटिकल साइंस के 80 महत्वपूर्ण MCQs जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।